देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड के 50-50 फंदे घटा दिए हैं। अब बस बीच के 60 फंदे बचे हुए हैं। तो अब हम इस दूसरे वाले उनको काट देंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और गांठ लगा देंगे। अब हम इन बचे हुए 60 फंदों को प्लेन बुनेंगे, आगे से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो सामने से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए हम 14 लाइन कंप्लीट करेंगे। 60 फंदों को हम 14 लाइन तक सीधा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं 14 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो हमने 14 लाइन प्लेन बना लिए। अब ये 15वां लाइन है, तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया। अब शेष फंदों को सीधा बुनते हुए हम लास्ट के 3 फंदे तक पहुँचेंगे। अब लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। यानी हमने यहाँ पे दूसरा फंदा भी घटा दिया और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा 15वां लाइन कम्प्लीट होता है। अब हम 20 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो 20 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 20 लाइन कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन के बाद ये 20 लाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। और दोनों कलर के उनसे क्रमशः एक एक फंदे उल्टा बुनेंगे। अब इसको नीचे करेंगे और पहले वाले फंदे उनको उठाएंगे, इसे उल्टा बुनेंगे। अब इसको नीचे करेंगे और दूसरे कलर को उठाएंगे और उल्टा बुनेंगे। बुनने के बाद वो कलर ऐसे नीचे कर देना है, तब दूसरा कलर उठाना है और उसको उल्टा बुनना है। अब ये हमने बुन लिया। अब इसको नीचे कर देंगे और पहले वाले को उठाएंगे और उल्टा बुनेंगे। इसी तरह हमें करना है, तभी ये डिजाइन बनके तैयार होगा। तो क्रमशः दोनों कलर के उनसे एक एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों कलर के उनसे क्रमशः एक एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं। अब हम सीधा बुनेंगे दोनों कलर के उनसे एक एक फंदा, जो जिस कलर से बुना गया है उसी कलर से हम उसे सीधा बुनेंगे। तरीका वही है, जिस जो फंदा हम बुन लेंगे उसको ऐसे नीचे करेंगे, अब दूसरे वाले को उठाएंगे और सीधा बुनेंगे। अब इसको नीचे करेंगे और पहले वाले को उठाएंगे और सीधा बुनेंगे। इस तरह करने से देखिए चोटी की तरह ये डिजाइन बनता चला जाएगा। तो हम दोनों कलर के उनसे क्रमशः एक एक फंदा सीधा बुनते हुए, जो जिस कलर से बुना गया है उसी कलर से सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दोनों कलर के उनसे एक एक फंदा सीधा बुनने से देखिए ये चोटी जैसा डिजाइन बन के तैयार हुआ। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और इस कलर का उनका हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम काट लेंगे और गांठ लगा लेंगे। अब हम फिर यहाँ पे पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे
और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से दो का एक कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा लिया और सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम दूसरी साइड के तीन फंदे के रह जाने तक सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हम पूरी लाइन को सीधा बुन लेंगे, लास्ट के तीन फंदों को छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी लाइन सीधी बुन ली। अब लास्ट के तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। यानी यहाँ पे हमने अपना दूसरा फंदा घटा लिया और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो अभी तक हमने चार फंदे घटा लिए, 60 फंदे थे और चार फंदे घट गए, यानी कि 56 फंदे रह गए हैं। अब हम हर छठी लाइन पे एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में घटाएंगे। हर छठी लाइन में दो फंदा घटाएंगे, एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में। और हर 20 लाइन के बाद, देखिए इन दो डिजाइन के बीच में 20 लाइन का गैप है, तो 20 लाइन के बाद हम फिर ये चोटी वाला डिजाइन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हर छठी लाइन पे दोनों साइड में एक एक फंदा घटाते हुए हमने 14 फंदे घटा दिए, यानी इस समय सिलाई पे 46 फंदे हैं। और हर 20 लाइन के बाद हमने डिजाइन बनाई है, ये चोटी वाला डिजाइन बनाई है। तो ये 18 लाइन कंप्लीट हो गया है और अब ये 19वां लाइन है। तो हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हमने 19वां लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये 20वां लाइन है। तो सभी फंदे उल्टा बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा 21वां लाइन है, यानी इस लाइन में ये चोटी वाला डिजाइन बनेगा। तो हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और बारी बारी से दोनों कलर के ऊन से एक एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। दोनों कलर के ऊन से क्रमशः एक एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो हमने दोनों कलर के ऊन से एक एक फंदा उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और अब हमें इन्हीं फंदों को जो जिस कलर का है उसी कलर के ऊन से अब सीधा बुनना है। सीधा बुना, नीचे उन किया, अब दूसरे वाले को उठाया, फिर सीधा बुना, अब इसे नीचे किया, अब पहले वाले को उठाया। अब हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है, जो जिस कलर का है उसी कलर के ऊन से उसे सीधा बुनना है। सीधा बुना, अब इसे नीचे किया, पहले वाले फंदे को ऊन को उठाया और सीधा बुना, अब इसे नीचे किया, फिर दूसरे को उठाया और सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हमें इस ऊन का कोई काम नहीं है, तो इसे हम काट देंगे और गांठ लगा देंगे। अब इस लाइन में हमें 6 फंदे घटाने हैं। हमारे सिलाई पे 46 फंदे हैं और हमें 6 फंदे घटाने हैं। तो सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब अगले दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया, फिर कुछ फंदे हम सीधा बुनेंगे। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक। यहाँ पे हमने दूसरा फंदा घटाया। इसी तरह करते हुए हम 6 फंदे यानी 4 फंदे और घटा लेंगे।
तो हमने 6 फंदे घटा लिए। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम अपना सिलाई चेंज करेंगे। अभी तक हमने 9 नंबर की सिलाई से बुनाई किया था, अब हम 10 नंबर की सिलाई लेंगे और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, यानी सिंगल रिब में हम 12 लाइन का बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए दोनों साइड से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए 12 लाइन का बॉर्डर बनाएंगे। तो 12 लाइन का बॉर्डर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 12 लाइन का बॉर्डर बना लिया। अब हम सामने की तरफ से हैं और अब हम सारे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अगला फंदा देखिए सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। उन अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। यानी जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो देखिए हमारे फंदे बाइंड ऑफ हो रहे हैं। इसी तरह करके हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। हम ना बहुत टाइट हाथ से फंदे उतारेंगे ना ही बहुत ढीले, हम एक नॉर्मल वे में चलेंगे। तो हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब हम इस फंदे को थोड़ा बड़ा करेंगे और इसके अंदर से गोले को निकालेंगे और इसे टाइट करेंगे और थोड़ा लंबा धागा इसे काट लेंगे ताकि इससे हम सिलाई कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक ही जैसे हैं। तो अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। हमने इस साइड से बुनाई शुरू की है, अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ से हम फंदे उठाएंगे और बॉर्डर बनाएंगे। तो हम 60 फंदे उठाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये सीधे फंदे की धारी दिखाई दे रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। देखिए ये सीधी लाइन गई है, यहीं से हम फंदे उठाएंगे। अब देखिए ये 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इतने में हम 30 फंदे उठा लें। टोटल हमें 60 फंदे उठाने हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 30 फंदे इतने में और 30 फंदे इतने में उठाएं। तो हम यहाँ सिलाई डालेंगे और फंदे उठाना शुरू करेंगे। फंदे हम नॉर्मल तरीके से उठाएंगे, सिलाई डालेंगे, ऐसे फंदा निकाल लेंगे, नेक्स्ट फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदा निकाल लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इतने तक में हम 30 फंदा निकाल लें। तो हमने 30 फंदे उठा लिए। अब दूसरी साइड भी हम 30 फंदे उठा लेंगे, यानी टोटल हमें 60 फंदे उठाने हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, 60 फंदे उठ गए। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए, यानी सिंगल रिब में हम बनाएंगे। तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम राइट साइड में हैं, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हम 16 लाइन का बॉर्डर बनाएंगे। तो 16 लाइन का बॉर्डर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है और अब हमें इसे बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ करने का के लिए हम क्या करेंगे कि पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अब उन दूसरी ओर करेंगे। दूसरा फंदा देखिए सीधा है तो इसे सीधा बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा देखिए उल्टा है तो इसे उल्टा बुनेंगे, अब पीछे वाला फंदा उठाएंगे और ऐसे गिरा देंगे। उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और ऐसे नीचे गिरा देंगे। पीछे वाले फंदे के नीचे अंदर से ये दूसरा फंदा हम ऐसे निकाल लेंगे। तो सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए, उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनते हुए और पीछे वाले फंदे को उठाकर ऐसे चढ़ाते हुए सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो फंदे बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब इस फंदे को थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे और इसके अंदर से हम गोले को निकाल लेंगे और इसे ऐसे खींच देंगे। थोड़ा सा धागा हम छोड़ेंगे सिलाई करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्वेटर बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसमें सिर्फ गले का बॉर्डर बनाना है। शेष नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।